जय श्री कृष्ण प्यारे विद्यार्थियों, मैं पी के शर्मा आपका नवीन सुबोध स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो देखो बच्चों, अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था बहुपद, पढ़ा था और बहुपद में भी क्या पढ़ा था अपन ने पढ़ा था भाग ध्यान। मैंने बताया था बहुपद का, दो बहुपद को एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग कैसे देते हैं। तो मैंने बोला था उससे पहले भी कि बहुपद में जब बहुपद के पढ़ाने से भागने से पहले ये बोला था कि यदि दो संख्या किसी भी संख्या में किसी भी संख्या के भाग दिया जाता है तो दो राशि प्राप्त होती है हमें। कौन कौन सी? एक तो शेष फल प्राप्त होता है और एक भाग फल प्राप्त होता है। तो वहां से एक रिलेशन निकाला था अपन ने, उससे सवाल भी किए थे। क्या रिलेशन था? भाज्य बराबर भाजक गुणा भाग फल प्लस शेष फल। ये रिलेशन निकाल चुके थे अपन, भाज बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल। और कुछ सवाल भी किए थे भाग कैसे देते हैं ये भी सिखाया था मैंने। तो ये सीख गए होंगे और प्रैक्टिस किए होंगे क्वेश्चन, जो मतलब क्वेश्चन में कोई डाउट आया हो वो कोई मतलब स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देने या कमेंट में लिख देना जो भी डाउट हो। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, आगे मतलब अपन को ऐसे सवाल करने हैं कि चार घात का बहुपद है। कैसे सवाल आएंगे अगला वाला क्वेश्चन कैसा है आपका, किस टाइप का? चार घात के बहुपद है, उनमें से दो बहुपद दे दिए आपको, दो गिवन होंगे दिए होंगे और निकालेंगे दो निकालिए। जैसे कोई भी मान लो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद कैसे देगा। कोई मान लीजिए ये कोई बहुपद है, मान लो एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर फाइव प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये कोई बहुपद है। उच्चतम घात कितनी है यहाँ पे? उच्चतम घात कितनी है? एक्स की चार की उच्चतम घात कितनी है? चार। तो चार कोटि का चार घात का बहुपद है। तो क्या इसके कितने मूल आएंगे? शून्य। कितने आएंगे? चार। कितने आएंगे? चार शून्य आएंगे भैया, चार। उसमें से मैं बोल दूं भैया, दो शून्य मैं दे दूं, मान लो ये कोई दे दिया ये और माइनस ये, दो दे दिए और जो बाकी के दो तो गिवन है, दो गिवन होंगे आपके पास, जो बाकी के दो निकालने वो निकालिए, बताओ कौन से होंगे। ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसा क्वेश्चन करते हैं। देखो आपके सवाल करते हैं, एक आपका थर्ड नंबर का सवाल, कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो या फिर स्कूल वाले नंबर पर मैसेज कर सकते हो, और जितनी भी वीडियो है प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो एक एक वीडियो को। और जो मान लो पहली बार कोई इस वीडियो को देख रहा हो तो पहले पिछली वाली वीडियो सारी देखें, उसके बाद ही समझ में आएगा बहुपद के बारे में। और देखो सवाल तीसरे का पहला, यहाँ पे भी क्या दे रहा है? निम्न बहुपद को दे रहा है के साथ उनके शून्य दिए हुए हैं, कोई बहुपद दे रहा है उनके शून्य भी दिए हुए कुछ, और तथा अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल क्या है? एफ ऑफ एक्स बराबर दो एक्स पावर फोर माइनस का तीन एक्स का तीन प्लस का माइनस का तीन एक्स स्क्वायर प्लस का छ एक्स माइनस का दो, ये बहुपद दे रहा है। इसके शून्य क्या दे रहा है? वो शून्य दे रहा है प्लस माइनस टू रूट टू, कह रहा है प्लस माइनस रूट टू। इसके दो अन्य शून्य, एक तो प्लस में दे रहा है और एक माइनस, इसका मतलब है एक्स बराबर कितना है? रूट टू प्लस में, और एक्स बराबर कितना है? माइनस का रूट टू। समझ में आया होगा। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, सॉल्यूशन देखेंगे, इसको यहां पे देखेंगे, एक्स को मैं इधर लाऊं, इस वाले रूट टू को इधर लाऊं, एक्स बराबर कितना दे रखा है? रूट टू लिख दिया करो, दिया हुआ है, दिया क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है क्या दे रहा है? शून्य एक्स बराबर प्लस माइनस का रूट टू, ये दे रहा है। अब प्लस वाले को इधर लाएंगे तो क्या आएगा? प्लस वाले को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा? माइनस का आएगा। और अगर माइनस वाले को भी लाऊं तो क्या बनेगा? ये प्लस का बनेगा। कोई डाउट है अंदर? इस वाले प्लस को इधर लाया तो माइनस का,
और इस वाले माइनस एक माइनस का भी, माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस का, देखो अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला पढ़ा है, ए माइनस का बी ए प्लस का बी, फॉर्मूला पढ़ा है, लिख देता हूँ ए माइनस का बी इंटू ए प्लस का बी, किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का। अब ए के स्थान पर क्या है यहाँ पे एक्स, एक्स थे, और बी के स्थान पर क्या है यहाँ पे रूट टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस का रूट टू का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का, रूट टू का स्क्वायर कितना होता है टू, ये सॉल्व करने पर है। अब ये शून्य से आया है, अब आपको यदि बोल दिया जाए बहुपद में कि दो शून्य गिवन है, तो शून्य गिवन है तो मतलब उसके जो फैक्टर निकलेंगे ना, मतलब एक्स को वैल्यू रख के इधर फैक्टर निकलेंगे वो उसका गुणनखंड होगा। अब जो कि देखो जो कि बहुपद का एक गुणनखंड है, फैक्टर है, गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो मैंने कल बताया था लास्ट क्लास में, यदि कोई बहुपद का मान लो भाग नहीं है तो कोई गुणनखंड बोल रहा है, मान लो कोई बहुपद का बोल रहा है पांच गुणनखंड है एग्जाम, अब तो मैं बता रहा हूँ कोई बहुपद का बोल रहा है पांच गुणनखंड है, मतलब पांच का भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा होगा जीरो। कल की वीडियो में नोट लगा के लिखा है, यदि कोई बहुपद का कोई संख्या का भाग देने पर जीरो आ रहा है तो शेषफल जीरो आ रहा है तो गुणनखंड कहलाता है ना, तो ये गुणनखंड है तो मतलब भाग देने पर क्या आ रहा होगा जीरो, तो भाग देते हैं इसको, उतारो भैया ये फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिखा था, इसको उतार लो एक बार उसके बाद बात करते हैं। अब क्या करते हैं, अब मैं अब आगे करता हूं इसको, अब इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, गुणनखंड है मतलब भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा होगा जीरो, अब क्या करेंगे भाग देंगे भैया इसका, लिखना चाहते तो लिख दो चूंकि ला के ही थे गुणनखंड, तो शेषफल ऐसे लिखो, तो बहुपद में इसका भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है, लिखने में कोई बुराई नहीं प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है, भाग देंगे ये भाग देंगे में भाग का चिन्ह लाया, इसमें इसका किसका भाग देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का टू का, इसका भाग देने पर शेषफल कितना मिल रहा होगा जीरो, भाग देंगे तो शेषफल जीरो मिल रहा है। अब मैंने बताया ना इस बहुपद का पहला पद देखते हैं, भाग करने सिखाया था लास्ट वीडियो में, इस बहुपद का पहला पद देखते हैं और इस वाले का पहला पद देखते हैं, यहाँ पे पहला पद क्या है दो एक्स घात चार, दो इंटू एक्स घात चार, और यहाँ पे पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से मेरे को क्या बनाना है दो एक्स घात चार को बनाना है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करूं ये बन जाए, तो मेरे को किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बहुत ही चीज दिख रहा होगा भाई, एक्स स्क्वायर मेरे को कितना बनाना है एक्स घात चार, तो एक्स स्क्वायर गुणा करना पड़ेगा दो और बनाना, दो को गुणा करना पड़ेगा, तो मैं लिख दूं किसका गुणा करना पड़ेगा मेरे को दो एक्स घात दो का, दो एक्स घातों को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। अब इस पूरी संख्या को मैं इससे गुणा करने पर, इस पूरी संख्या से गुणा करने पर करो गुणा भैया, तो क्या बनेगा इसका इससे गुणा करेंगे तो दो एक्स घात चार, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का चार एक्स स्क्वायर माइनस का, अब ये तो एक्स एक्स टू वाली क्रम है तो एक्स स्क्वायर के नीचे जाएंगे माइनस का चार और एक्स स्क्वायर, अब घटाने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, ये प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का, अब ये कैंसिल आउट हो गए क्योंकि ऊपर प्लस का नीचे माइनस का है तो कैंसिल हो गए, अब देख लो माइनस का एक्स क्यूब मेरा ऐसे कैसे, अब प्लस के चार और माइनस के तीन किसके ज्यादा है प्लस के, कितने ज्यादा है एक, एक्स स्क्वायर प्लस का छह एक्स माइनस का दो, ये वाला मैंने मिटाया। उसके बाद
उसके बाद भैया सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ पर पहला पद देखते हैं, पहला पद यहाँ पर माइनस का तीन एक्स की घात तीन, माइनस का तीन लिख लिया करो। अब मेरे को ये किससे बनाना है, इस वाले पहले पद से बनाना है। अब एक्स स्क्वायर है, इसमें किसका गुणा करूं कि माइनस का तीन एक्स घात तीन बन जाए। तो एक तो एक्स स्क्वायर तो है, मेरे को एक्स क्यूब चाहिए, तो एक तो एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और माइनस तीन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो बनेगा। तो माइनस तीन एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का तीन एक्स, और माइनस का तीन एक्स का पूरी इस संख्या से गुणा करने पर, माइनस के तीन एक्स गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का तीन एक्स घात तीन, और माइनस इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएंगे छह एक्स प्लस के छह एक्स, समझ में। फिर वही बात, छह एक्स के नीचे लिख दिया, एक्स स्क्वायर छोड़ दो क्योंकि एक्स स्क्वायर आ ही नहीं रहा, एक्स के नीचे लिखेंगे कॉन्स्टेंट आता है, कॉन्स्टेंट के नीचे लिखते हैं, एक्स क्यूब आता है, एक्स क्यूब के नीचे लिख दिया। अब घटाने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, प्लस का है तो माइनस का, ये कौन सी बात लिख दिया करो ना, है तो घटाने पर, घटाने पर नहीं जोड़ना है, ये कैंसिल हो गया भैया। अब बचेगा एक्स स्क्वायर उतार दिया, अब प्लस और ये भी कैंसिल हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया, बचेगा एक्स माइनस का टू, एक्स स्क्वायर माइनस का टू। हाँ देखो, अब यहाँ पे फिर पहला पद देखो, पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मेरे को बनाना है, किसकी सहायता से बनाना है, इस एक्स स्क्वायर की सहायता से बनाना है। तो एक्स स्क्वायर पहले से ही है, तो मैं किसका गुणा करूं कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो प्लस वन का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता ना, प्लस का था एक्स स्क्वायर बनाना है, और यहाँ पे माइनस का होता तो, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो माइनस वन का मल्टीप्लाई करता। अब मेरे को एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो मेरे को एक्स स्क्वायर का प्लस प्लस वन, मतलब एक्स स्क्वायर में प्लस वन का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो प्लस वन का गुणा कर दिया, प्लस वन का पूरी संख्या से करेंगे, तो पूरी संख्या से करेंगे तो यही है, अरे एक का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं, पहले वन का एक्स स्क्वायर गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, फिर वन का माइनस टू से गुणा किया तो माइनस का टू। अब घटाने पर चिन्ह परिवर्तन लिख दिया करो, घटाने पर, अगर घटाने पर क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का, कैंसिल, और ये भी माइनस का, ये प्लस का, तो ये भी कैंसिल, क्या रहा जीरो। मैंने बोला था ना गुणनखंड बोला है आपने इसको, तो इसमें इसका इसमें भाग लेने पर शेषफल कितना आ रहा होगा, जीरो, देख लो जीरो ही आता, उतार लें उतार लिया। अब देखो, अब वो वाले अप्लाई करेंगे प्रमेय, भाग बराबर भाजक गुणा भाग प्लस शेष पर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस का टू, ये तो क्या था भाजक, और ये वाला क्या है अपना भाज, ये ना मैंने मिटा और दिया हल्का सा, ये भाज, और ये शेष पर, और ये अपना भागफल, देखा भागफल। अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, भाज बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल लिखेंगे उसको, इसको हम बाद में, क्योंकि इन वैल्यू का यूज करूंगा मैं इस वाले पद को, नीचे वाले को। अब देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, देखा अब भाज बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज क्या है ना, इस वैल्यू को रखो, दो एक्स घात चार माइनस का तीन एक्स घात तीन माइनस का तीन एक्स स्क्वायर प्लस का छह एक्स माइनस का दो बराबर भाजक कितना है एक्स स्क्वायर माइनस का टू गुणा भागफल कितना है भागफल, भागफल ये गुणा गुणा लिख दो, चाहे किसी भी कोष्ठक के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता तो गुणा का चिन्ह माना जाता है, और क्या दो एक्स स्क्वायर माइनस का तीन एक्स प्लस का वन, ये भाग पर लिख दिया प्लस शेष पर कितना आ रहा है जीरो, जीरो। अब हम मिटा देता हूँ, इसलिए नहीं मिटा रहा था कि अपन को लिखने के लिए, अब इसका काम हो गया, नहीं मिटा।
बराबर दो एक्स की पावर फोर माइनस का तीन एक्स स्क्वायर माइनस का तीन एक्स क्यूब माइनस का तीन एक्स स्क्वायर प्लस का छह एक्स माइनस का टू बराबर। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का टू और क्या है टू एक्स स्क्वायर माइनस का तीन एक्स प्लस का जीरो। किसी भी संख्या में जीरो को ऐड करने पर वही संख्या आती है तो जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो आपको मैंने अभी बताया था ये फैक्टर बन रहा है ना इसके तो रूट निकालने पर रूट अब शून्य का निकालना है। शून्य का निकालने के लिए क्या करेंगे अब मैं इसके शून्य का निकाल लू इसके तो दे ही रखे प्लस माइनस रूट टू इसके तो दे ही रखे ना प्लस माइनस रूट टू इसके निकाल लू। अब देखो हम निकालते हैं अब इसके शून्य इस वाले फैक्टर के शून्य निकालना है। शून्य निकालना है तो किसको जीरो करेंगे क्योंकि इस जो इसके शून्य होंगे इसके शून्य होंगे वही इसके शून्य होंगे क्योंकि बराबर चिन्ह लगा होगा बीच में बराबर चिन्ह तो जो इस वाले संख्या के शून्य होंगे वही इस संख्या के शून्य होंगे मान लो जो भी इस बहुपद के शून्य होंगे वही उस बहुपद के शून्य होंगे। रीजन क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ बराबर का इक्वालिटी का चिन्ह लगा हुआ है। इक्वालिटी का मतलब होता है सब मतलब इसके जो शून्य है वही इसके शून्य है इसकी जितनी घात है एक्स की घात तो वही इसकी घात है इसकी भी एक्स की घात चार ही आएगी उसकी घात कितनी है चार। तो अब इसके शून्य का अपन विवरण है तो किसके शून्य का निकाल लो मैं इसके शून्य का निकाल लो। अब इसके तो दिए हुए इसके और शून्य का निकाल लेंगे वो अन्य शून्य का आएंगे क्योंकि दो इसके निकले पावर इसकी कितनी है दो तो दो यहाँ से निकल जाएंगे जो अपन को चार हो जाएंगे टोटल ये निकाल लेते हैं। तो इसका शून्य का निकालने के लिए किसके बराबर करते हैं शून्य का निकालने के लिए पहली वीडियो में बताया था पहली में नहीं दूसरे में बताया था पहली में बताया था शून्य का निकालना कैसे निकालते हैं शून्य। तो शून्य का निकालने के लिए सबसे पहले किसके बराबर करते हैं शून्य के बराबर करते हैं सबसे पहले शून्य के बराबर कर दिए शून्य के बराबर कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे अपन इसको अब ये गुणनखंड विधि से बताया था ना गुणनखंड विधि से पहले कैसे करते हैं इसका इस पर गुणा करते हैं इसका पहली पद और तीसरे पद का गुणा करते हैं क्या आ रहा है पहला पद और तीसरे पद का गुणा करने पर दो एक्स स्क्वायर में प्लस एक का गुणा करने पर क्या आता है दो एक्स स्क्वायर। अब बीच वाले पद को दूसरे वाले पद को इस प्रकार तोड़ते कि गुणा करने पर तो दो एक्स स्क्वायर बनना चाहिए और जोड़ने घटाने पर क्या बनना चाहिए माइनस का तीन एक्स बनना चाहिए। तो देखो तीन एक्स को इस प्रकार तोड़ना तीन एक्स को क्या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ माइनस का दो एक्स प्लस का माइनस का एक्स ऐसे कर सकता हूँ। अब देखो अब इनका गुणा करने पर क्या आ रहा है इनका गुणा करने पर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और दो एक्स स्क्वायर आ जाएगा वही चाहिए अपन को। इसको ऐसे लिख सकता हूँ दो एक्स स्क्वायर माइनस का दो एक्स माइनस का एक्स प्लस का एक बराबर जीरो। अब इस वाले पहले वाले इससे क्या कॉमन आ रहा है दो यहाँ पे भी दो यहाँ पे भी तो दो कॉमन ले लू एक्स यहाँ पे भी एक्स यहाँ पे भी तो एक्स भी कॉमन ले लू एक एक्स निकला तो क्या क्या बचा एक एक्स बचा यहाँ पे माइनस का वन ये दो एक्स पूरा निकाल लिया यहाँ पे वन ही तो बचा। अब इस वाले कोष्टक में भी वही संख्या आती है बताया था मैंने लास्ट क्लास में नेक्स्ट मतलब लास्ट जब क्लास पढ़ा दी मैंने तीन चार उसमें बता चुका हूँ गुणनखंड विधि से फैक्टर कैसे करते हैं। अब इसमें भी एक्स माइनस का वन आएगा तो एक्स माइनस वन लिख दिया। अब किससे आएगा इस वाले पद से एक्स माइनस वन आएगा इस वाले पद से जो मैंने मार्क किया है इस वाले पद से एक्स माइनस वन आएगा यहाँ पे एक्स किसका है माइनस का मेरे को किसका चाहिए प्लस का तो माइनस को प्लस में बनाने के लिए किसका कॉमन लेंगे माइनस का गुणा कर दो मैं प्लस का हो जाएगा तो मतलब माइनस का कॉमन ले लिया माइनस का भाग दे दिया गुणा कर दिया कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है तो माइनस का भाग दे दो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये प्लस है जो माइनस हो जाएगा तो माइनस हो गए बराबर। उसके बाद मैं ऊपर कर रहा हूं बराबर अब देखो दो एक्स अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है इस वाली पूरी संख्या में से x माइनस वन यहाँ पे भी है और x माइनस वन यहाँ पे भी तो x माइनस वन कॉमन आ रहा है और यहाँ पे क्या है यहाँ पे दो एक्स बचा और यहाँ पे कितना बचा माइनस का वन बचा बराबर जीरो बराबर जीरो। मैंने बहुत सी बार बताया बहुपद में पढ़ाया है जब किसी भी संख्या का गुणा जीरो होता है तो गुणा पॉसिबल जीरो कब होता है कम से कम एक संख्या का जीरो होना जरूरी है क्या तो इस ये जीरो के बराबर होंगे या फिर ये जीरो के बराबर होगी या फिर दोनों जीरो के बराबर होंगे तो कह तो एक्स माइनस वन बराबर जीरो या दो एक्स माइनस का वन बराबर जीरो तो एक्स बराबर कितना आ गया एक्स बराबर पक्षांतरण करने पर लिख देना पक्षांतरण करने पर तो x बराबर कितना आ गया x बराबर एक आ गया इससे इसका पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर इधर जाएगा तो प्लस का और फिर 2 गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग का
तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक एक्स ये ना दो शून्य किए प्राप्त हो गए और दो दे रखे, तो उच्चतम चर की घात उच्चतम कितनी दे रखे चार, चार आने चाहिए ना, दो जिनमें तो दो पहले दिए हुए हैं, दो अपन निकाल लिए, दो अपन ने निकाल लिए, बता दो अब क्या लिखेंगे। अतः हम देखो अतः अतः बहुपद के अन्य शून्य क्या है, ऐसे देखो दो अन्य शून्य, दो अन्य दो अन्य शून्य क्या वन वेल वन बाई टू है, दो तो दे रहा है प्लस माइनस रूट टू और दो निकाल दिया अपन ने, उतार ले यहां ये सवाल। ये निकालना था कि चार घात का बहुपद दे रखा है, दो इसके शून्य दे रखे हैं, तो दो तो गिवन है, दो निकाले दो निकालना सिखाया था कैसे निकालते हैं, तो इसके शून्य क्या होंगे, जो इसके शून्य होंगे वही उस बहुपद के बराबर का चिन्ह है ना, तो उसके बहुपद के शून्य होंगे, तो लिख दिया, तो जो इसके दो अन्य शून्य क्या है, एक और कराता हूं, एक तीसरा तीसरे का तीसरा कोई बहुपद दे रहा है, क्या दे रहा था एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की घात तीन प्लस प्लस तेरह एक्स स्क्वायर प्लस का बत्तीस एक्स प्लस का बीस प्लस का बीस दे रहा, ये बहुपद दे रहा है और एक इसका शून्य दे रहा है क्या एक्स बराबर क्या दे रहा है, इसका अन्य शून्य क्या दे रहा है ये माइनस का टू, क्या दे रहा है माइनस का टू, एक दे रहा है, मैंने बताया था जितने चर की उच्चतम घात होती है उतने ही शून्य घाते हैं, तो एक दे रहा है तो आप कितने निकालने हैं, दो निकालने, दो कैसे निकालेंगे आप देखो, एक दे रहा था दो निकालने हैं, तो वही तरीके से हल हल आप देखो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स शून्य दिया हुआ है वही दिया हुआ है क्या दे रहा है शून्य बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य एक्स बराबर माइनस का टू, एक्स बराबर माइनस का टू, अब देखो ये माइनस का टू है तो इस इधर लाइन क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस अब इधर अब ये माइनस ये क्या है शून्य का, शून्य का होता है होने का मतलब है उसका गुणनखंड है मतलब उसको संतुष्ट करता है, ये उसका क्या है अगर ये शून्य का तो ये उसका गुणनखंड होगा, जब ये शून्य होगा ये जब इसका गुणनखंड होगा इस बहुपद का, जब ये उसका शून्य होगा क्योंकि बराबर करके जब ये एक्स बराबर माइनस का टू आएगा तो ये क्या है तो ये है बहुपद का एक गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड है, और कल मैंने नोट लगा के लिखाया था कि यदि किसी कोई संख्या किसी का गुणनखंड होती है तो मतलब भाग देने पर क्या आता है मतलब शेष पर कितना था भाग देने पर जीरो लिख दिया कल नहीं तो अतः बहुपद में गुणनखंड का भाग देने पर देने पर शेष पर शून्य प्राप्त होता है, क्या होता है शून्य प्राप्त होता है, तो भाग देंगे तो भाग देना तो भाग अब भाग देंगे भाग देने की बोल रहे हैं भाग देने पर तो भाग देंगे देखते हैं शून्य प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा शेष पर, तो देखो एक्स प्लस टू का भाग देना मेरे को किसमें इस वाले बहुपद में जो दे रहा है
एक्स घात 3 प्लस का 13 एक्स स्क्वायर प्लस का 32 एक्स प्लस का 20 ये दे रहा है ऊपर। अब इसका इसका भाग देना है, तो कल मैंने बताया था और अब दोबारा बता रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन में बताया था पहले वाले पर भाग कैसे देते हैं, इसमें पहला वाला पद देखते हैं और इसमें पहला वाला पद देखते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला पद क्या है, एक्स घात 3, यहाँ पे पहला वाला पद क्या है एक्स, तो मेरे को एक्स से क्या बनाना है, एक्स घात 3 बनाना है, एक्स से क्या बनाना है मेरे को, इस एक्स से मेरे को ये बनाना है। अब मेरे को एक्स से बनाना है, एक्स में किसका गुणा करने पर एक्स क्यूब बनेगा, किसका गुणा करने पर, एक्स स्क्वायर गुणा करने पर मेरे को एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा करने पर। तो क्या करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर रखूंगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणा करने पर क्या बन रहा है, एक्स क्यूब बन रहा है, एक्स क्यूब। अब इस वाली पूरी इस वाले वाले पद को इस पूरी संख्या से मतलब गुणा करना है अपन को, तो एक्स स्क्वायर का किससे गुणा करेंगे पहले एक्स से, फिर एक्स स्क्वायर गुणा किससे करेंगे प्लस का 2 से, तो एक्स स्क्वायर गुणा एक्स से करेंगे तो एक्स घात 3, और फिर एक्स स्क्वायर गुणा प्लस 2 से करेंगे तो प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर लिख लेंगे बाबू में घटाने पर, घटाने पर बताया कि चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, ये किसका है प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये किसका है प्लस का तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, अगर ये माइनस का होता तो क्या हो जाता प्लस का, और ये प्लस का होता तो क्या हो जाता माइनस का, और ये माइनस का होता तो प्लस का हो जाता, मतलब चिन्ह परिवर्तन हो जाता है घटाने पर, तो ये माइनस का और ये प्लस का, और ये प्लस का तो ये भी माइनस का। अब देखो ये प्लस की संख्या, ये प्लस की संख्या और ये माइनस की संख्या, तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस कट जाते हैं ना, प्लस का 6 और माइनस का 6 बराबर 0 ही आता है, कट जाते हैं आपस में, और प्लस के 13 और माइनस के ये माइनस के 2 कितने बच गए, किसके ज्यादा है प्लस के, कितने ज्यादा है 11, किसके एक्स स्क्वायर 11 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 32 एक्स और प्लस का 20। अब दोबारा देखो यहाँ पे पहला वाला पद देखो, पहला पद क्या है 11 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पहला वाला पद क्या है एक्स, अब x से मेरे को क्या बनाना है 11 एक्स स्क्वायर बनाना है, तो x में किसका गुणा करने पर 11 एक्स स्क्वायर बनेगा, तो x में किसका गुणा करने पर मेरे को 11 एक्स स्क्वायर बनेगा, सोचो एक तो मेरे को x तो है ही पहले से, तो एक तो मैं x का गुणा कर दूं और मेरे को 11 चाहिए तो 11 का गुणा कर दूं, तो 11 एक्स का गुणा करने पर प्लस का 11 एक्स का गुणा करने पर बन जाएगा, तो इस 11 एक्स का प्लस का 11 एक्स का पूरी संख्या से गुणा करो, इससे प्लस का 11 एक्स का इससे करते हैं तो क्या बनता है 11 एक्स स्क्वायर, इस वाले 11 एक्स का इससे करते हैं तो क्या बनता है प्लस का 22 एक्स, अब वही घटाने पर चिन्ह परिवर्तन, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, और ये क्या हो गए कैंसिल हो गए, क्योंकि ये प्लस की संख्या ये माइनस की कैंसिल। अब देखो इधर देखो 32 प्लस के और माइनस के कितने 22, तो किसके ज्यादा है प्लस के, कितने ज्यादा है, कितने ज्यादा है भैया 10, तो 10 है, और ये 20 प्लस का 20 उतार लो, यहाँ पे स्पेस नहीं रहा उसके बाद बताता हूँ, ये उतार लो फिर उसका पक कर पाऊंगा। अब इसके नीचे लिखना है आपको, तो लेकिन मेरा स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अब पहला वाला पद देखेंगे यहाँ पे क्या है 10x, और यहाँ पे पहला वाला पद देखेंगे 10, यहाँ पे 10x और यहाँ पे क्या है x, अब मेरे को x से क्या बनाना है 10x बनाना है, तो x तो x का x तो ही, तो x में अब किसका गुणा करने पर, अगर इसमें 10 का गुणा करूँ तो 10x बन जाएगा, तो प्लस का 10x प्लस का 10 का गुणा कर दूंगा मैं, प्लस का 10 का, प्लस का 10 का इसको पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, नीचे लिख रहा हूँ यहीं पे लिख रहा हूँ, नीचे लिखना है आपको तो 10x और इस वाले 10 का इससे गुणा करेंगे तो 20, और मैं एक बार ये वाली संख्या यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ दोबारा 10x प्लस का 20, यही संख्या लिखी है काटने के लिए। अब घटाने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, प्लस का है तो माइनस का, और ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये कैंसिल, और ये भी प्लस का, ये भी माइनस का, तो ये भी कैंसिल हो गए, तो क्या आ रहा है जीरो बचा, कुछ नहीं बचा तो जीरो बचा, तो सिर्फ ये कहलाता है अपना शेष फल। अभी लिखा था लाइन, यदि गुणनखंड बोला है आपने तो भाग देने पर क्या हो रहा होगा, शेष फल जीरो हो रहा होगा, शेष फल जीरो हो रहा है, ये क्या कहलाता है भागफल, देख दो ये क्या कहलाता है भागफल,
और ये क्या कहलाता है? भाज, और ये भाजक। अब वो यूक्लिड विभाजन क्यों है? अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं अपन? भाज बराबर भाजक गुणा भागफल, भाज बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज बराबर भाजक, अब भाज की वैल्यू रख देंगे और भाजक यही अपने पास है, ये भाजक है, भाजक ये रहा, भागफल ये रहा और शेषफल ये रहा, सारी वैल्यू है अपने पास, रख देंगे। भाज कितना है? एक्स का 3 प्लस का 13 एक्स स्क्वायर प्लस का 32 एक्स प्लस का 20 बराबर, भाजक कितना है? एक्स प्लस का 1, एक्स प्लस का 2 तो एक्स प्लस का 2, और भागफल कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस का 11 एक्स प्लस का 10। शेषफल कितना है जी? अब मैं नीचे का मिटा दू तो ये वैल्यू पुट करने के लिए काम आ गए। अब किसी भी संख्या में 0 ऐड करते हैं तो वही संख्या आती है, किसी भी संख्या में 0 ऐड करते हैं तो वही संख्या आती है, एक्स घात 3 प्लस का 13 एक्स स्क्वायर प्लस का 32 एक्स प्लस का 20 बराबर। अब इसमें 0 ऐड हो रहा है, 0 जोड़ रहा है, तो मतलब इस संख्या में जोड़ रहा है 0, तो इस संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही संख्या आएगी, एक्स प्लस का 2 और एक्स स्क्वायर प्लस का 11 एक्स प्लस का 10। और उसके बाद अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है? एक शून्य दे रहा है, एक शून्य दे रहा है, मतलब ये वाला फैक्टर बना था, शून्य दे रहा है, एक्स बराबर माइनस का 2, एक्स बराबर माइनस का 2 दे रहा है, मतलब इसको 0 करने पर एक्स बराबर माइनस 2 आएगा, तो ये तो संख्या दे ही रहा है, मतलब इससे तो शून्य दे ही रहा है, ये इससे और शून्य निकाल लूंगा इस वाले फैक्टर से, तो जो इससे शून्य आएंगे और इससे जो शून्य दे रहा है वही इसके शून्य होंगे बीच में, क्योंकि बीच में क्या है? बराबर का चिन्ह है, तो मैं इस वाले फैक्टर का शून्य निकाल लेता हूं। अब एक्स स्क्वायर प्लस का 11 एक्स प्लस का 10 बराबर 0, इसको शून्य शून्य निकालना है, इसका शून्य आएगा और जो इसका शून्य दे रहा है, जो इनके शून्य होंगे जो इसके शून्य होंगे वही इसके शून्य होंगे, क्योंकि बराबर का चिन्ह बीच में बराबर का चिन्ह है, इसलिए जो इसके शून्य होंगे वही इसके शून्य होंगे, तो अब इसके शून्य निकालते हैं अपन वही फैक्टर विधि से, इसको मैं 10 प्लस एक्स लिख सकता हूँ, 10 प्लस 10 एक्स प्लस एक्स 11 एक्स ही तो रहा जोड़ने पर, प्लस का 10 बराबर 0, और अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, तो यहाँ पे एक्स कॉमन ले तो बचेगा एक्स की पावर 1, यहाँ पे एक्स कॉमन ले यहाँ पे बचेगा 10, इस वाले कोष्ठक में भी एक्स प्लस 10 बराबर 0, किससे बनेगा? इस वाले से, इस वाले एक्स प्लस 10 बनाना, एक्स प्लस 10 ही है, तो क्या कॉमन ले लूं? प्लस का 1, क्योंकि प्लस 1 कॉमन लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लस 1 लगा दिए। अब इससे और इससे क्या कॉमन आ रहा है? एक्स प्लस का 10, एक्स प्लस का 10, और यहाँ पे क्या बच रहा है? इधर तो एक्स बच रहा है और यहाँ पे प्लस का 1 बराबर 0, और वही किसी भी दो संख्या में गुणा 0 तो कम से कम एक संख्या 0 होनी पड़ेगी, या तो ये 0 होना पड़ेगा या फिर इसको 0 होना पड़ेगा या फिर दोनों को 0 के बराबर होना पड़ेगा। अब देखो लिखते हैं, कहते हैं ये 0 है पर एक्स प्लस का 10 बराबर 0 या एक्स प्लस का 1 0, तो यहां से क्या आ रहा है? एक्स बराबर 95 करने पर माइनस का 10, क्योंकि प्लस का है 0 के इधर जाएगा तो माइनस का, और यहां पे क्या आ रहा है? एक्स बराबर माइनस का 1। अब एक्स की एक वैल्यू पहले दे रखी थी माइनस का 2 और ये 2 और निकाल दी, मेरे को 2 ही तो निकालने थे, चार की उच्चतम घात कितनी थी? 3 मैक्सिमम, तो 3 ही शून्य आएंगे, 2 मैंने निकाल दी और एक पहले दे रहा था क्वेश्चन में, तो लिखेंगे अतः बहुपद बहुपद के ये बहुपद के 2 अन्य शून्य, 2 अन्य शून्य फिर क्या क्या है? माइनस का 10 व माइनस का 1, उतारो भैया यहां उतार लियो, मिटाते हैं
हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे दो, ऐसे दो चार है आपका तो दो दे रखे हैं आप, दो निकालने के लिए बोल दिया है, एक दे रखा तीन निकालने के लिए बोल देगा, या तीन आपका तो दो दे दिए एक निकालने के बोल दिया, ऐसे करने अपन को जो दे रहा है उसके अकॉर्डिंग कर देंगे सवाल। और एक सवाल और चौथा क्वेश्चन नंबर फोर, बुक आपके पास होगी देख लिया। अब देखो एक एक रिलेशन और बताया था ना मैंने, वो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो ये भाज्य कितना है, इसको पी ऑफ एक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर एक्स की फॉर्म में लिखना है फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन जी एक्स, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जी एक्स बोलते हैं इसको, जी एक्स बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं इसको क्यू एक्स बोलते हैं, प्लस इसको क्या बोलते हैं आर ऑफ एक्स, आर मतलब रिमाइंडर, क्यू मतलब कॉन्स्टेंट, जी मतलब और पी मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, जी मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। अब देखो इसको इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, आपसे बोले पी क्या है यहाँ पे पी मतलब भाज्य, और क्यू क्या है यहाँ पे क्यू मतलब भागफल, और आर मतलब शेषफल। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रहा है, बहुत सी बात पी किसी के एफ ऑफ एक्स भी दे रहा होता है, पी किसी के एफ ऑफ एक्स भी दे रहा होता है, इसको एफ ऑफ एक्स से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो मेन फॉर्मूला अपना यही है, इसको याद रखना। अब ये अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस का तीन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का टू, बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का तीन एक्स क्यू माइनस का तीन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का टू, सवाल पढ़ लो, को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर, को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल क्यू एक्स तथा शेषफल आर एक्स क्रमश है, एक बार क्वेश्चन ले लेता हूं पसंद आया, क्रमश है एक्स माइनस का टू, एक्स माइनस का टू व टू है माइनस का टू एक्स प्लस का फोर प्राप्त होता है, तो बहुपद जी एक्स ज्ञात कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा सवाल, अब देखो सॉरी समझाएंगे, पहले सवाल को एक बार रिपीट करता हूं पढ़ता हूं, एफ ऑफ एक्स को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल क्यू, अब ये क्यू है जी नहीं है, ये क्यू है क्यू एक्स तथा शेषफल आर एक्स, इसको इसमें इसका भाग देने पर अपन को मैंने बताया था ना, किसी भी संख्या का किसी में भाग देते हैं तो दो दो चीज प्राप्त होती है, एक तो भाग को प्राप्त होता है और एक शेषफल प्राप्त होता है, तो अपन को इसका इसमें भाग देने पर अपन क्या प्राप्त हो रहा है, भागफल और शेषफल प्राप्त हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, भागफल तो अपना प्राप्त हो रहा है एक्स माइनस का टू, और शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है माइनस का टू एक्स प्लस का फोर, तो अपन को जी एक्स याद करना है किसका भाग देने पर प्राप्त हो रहा है, तो जी एक्स को अपन ने मतलब छुपा दिए, जी एक्स बताइए जी एक्स क्या होगा, बस शेष पर देखो अपन जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसको मैं एफ ऑफ एक्स नाम भी बोल सकता हूं,
इसको भाजक के नाम से दे सकता हूँ जी एक्स, इसको भागफल क्या दे सकता हूँ क्यू ऑफ एक्स, और स्पेस फल को आर ऑफ एक्स अभी बोला था ना लगाया था, इसको पी ऑफ एक्स बोल सकते हैं। अब सारी वैल्यू है अपने पास, सबको रख दो। अब हमको जी एक्स निकालना है, एक बार कैलकुलेशन कर लो, मेरे को ये जी एक्स निकालना है, तो जी एक्स निकालने के पहले पहचान कर लो जी एक्स को निकालना है। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाले प्लस का आर एक्स को इधर लाऊंगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो एफ ऑफ एक्स माइनस का आर ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, समझ में आया। उसके बाद अब ये जी ऑफ एक्स जी, अब मेरे को जी ऑफ एक्स निकालना है तो इसे गुणा में क्या है क्यू ऑफ एक्स है, तो क्यू क्यू का भी डाल देता हूँ, तो जी ऑफ एक्स बराबर इसका भाव देने पर एफ ऑफ एक्स माइनस का आर ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स बराबर कितना बच गया जी ऑफ एक्स बच गया ये, तो जी ऑफ एक्स बराबर कितना आ गया एफ ऑफ एक्स माइनस का आर ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स। अब एफ की वैल्यू भी है अपने पास, आर की वैल्यू भी है, एफ की वैल्यू मेरी आर की वैल्यू मेरी, आर पीछे तो आर की वैल्यू मेरी, क्यू पहले तो क्यू की वैल्यू है, तो क्यू की वैल्यू भी है अपने पास, आर की वैल्यू भी है, और लेकिन दिया है क्या दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दे रहा है एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का टू, और आर एक्स कितना दे रहा है क्यू एक्स कितना दे रहा है क्यू एक्स बराबर कितना दे रहा है क्यू एक्स बराबर कितना दे रहा है अपना दे रहा क्यू एक्स बराबर एक्स माइनस का टू बराबर एक्स माइनस का टू, और आर ऑफ एक्स कितना दे रहा है आर ऑफ एक्स दे रहा है अपने पास माइनस का टू एक्स प्लस का टू। अब सारी वैल्यू रख देंगे अपना क्वेश्चन में मिटाता हूँ, क्वेश्चन तो किताब से भी लिख सकते हो, उसके बाद सारी वैल्यू रख देंगे इसमें, इसमें इसको समीकरण हम अलग दे दो, समीकरण एक में मान रखने पर तो जी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है अपने पास देखो एक्स क्यू माइनस का तीन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का टू माइनस आर की वैल्यू क्या है आर की वैल्यू रख दो एक्स माइनस का टू आर की वैल्यू माइनस लगा दी तुम अपॉन बटे क्यू की वैल्यू क्या है क्यू या सॉरी क्यू की वैल्यू थी आर की वैल्यू रखो माइनस का टू एक्स प्लस का फोर ये नहीं आर की वैल्यू यही थे और क्यू का एक्स माइनस टू का भाग देना अब सॉल्व कर लेंगे जी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का टू माइनस माइनस प्लस और ये कितना हो जाएंगे टू एक्स माइनस का फोर इस माइनस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस का इससे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और ये माइनस का फोर अपॉन एक्स माइनस का टू इसको कैलकुलेशन करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे सरल कर लेंगे इसको ये वाला मैं बता रहा हूं एक्स क्यूब अब माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर एक्स ये रहा एक और ये दो एक्स ये तो एड करने पर कितना हो जाएंगे तीन हो जाएंगे माइनस का फोर अपॉन एक्स माइनस का टू और ये कितना बराबर है जी ऑफ एक्स। अब इसमें इसका भाव देना अब भाव दे देंगे मतलब मुझे भाग देना है जो भी राशि होगी या फिर यहां तक भी छोड़ सकते हो जी ऑफ एक्स बराबर कितना आ गया अपना भाग देके लिखना चाहते हो तो भाग देके लिख लो जी ऑफ एक्स बराबर ये भाग देना चाहते हो तो भाग यहां तो लेंगे यहां तक भी छोड़ सकते हो अपना और सॉल्व करना तो भाग देना अपन मैंने पीछे की वीडियो में कल भी सिखाया था आज भी सिखाया भाग दे सकते हो किसमें किसका देना है इसमें इसका देना तो एक्स माइनस टू कट जाएगा और जो बची वो वैल्यू बचेगी भाग देना है बाहर दे सकते हो या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है यहाँ पे 3.2 कंप्लीट होता है और जो भी समझ में नहीं आया प्लेलिस्ट में जाके पीछे की वीडियो देखें तो सबसे पहले पीछे की वीडियो देखें मेरे मतलब ये गारंटी है समझ में कंप्लीट आएगा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने जो
आपसे नहीं हो, और बारीकी से समझाया बहुपद को, पूरे बहुपद कहते कैसे हैं, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, शून्य कैसे निकालते हैं, शून्य के अमूल या हल कैसे निकालते हैं, पहले वो बताया था, शून्य को भी जांच करनी सिखाई थी, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ाई थी, मतलब भाग देना सिखाया था, उसके बाद ये सवाल कराए थे। ये सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे मतलब आराम से, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं रहेगा। और जो भी डाउट आता है, देखो सबके पास डाउट होते हैं, सारे मतलब मानव है, मानव को हमेशा डाउट आता रहता है।